हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हमारे पास एक कंप्लेन आई है जो स्पर्ल कंपनी की है और इस कंचे सिस्टम में लीकेज की प्रॉब्लम है जिससे ये रेगुलर पानी बहता ही जा रहा है। ये कंचे सिस्टम अभी अभी जस्ट लगाया ही गया है, प्रेमर भाई लगा के ही गए हैं और यह कंचे सिस्टम अभी नया है। तो इसको सही करने के लिए प्लेट बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद एक राइट और एक लेफ्ट दो बोल्ट प्लास्टिक के लगे होते हैं, उसको हाथ से ही खोल लेते हैं। इस प्रकार से खोल के और इस थोड़ा सा अप करेंगे तो ये भी निकल जाएगा कैप, और ये प्लस डंडी है इसको भी निकाल लेते हैं, अप करेंगे ये भी बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं और उसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं आप। ये है, ये साइफर है जो कि दो टुकड़ों में हो गया है, यानी कोई बटन को झटके से दबाया होगा या तो इंस्टॉलेशन में ही ये बाहर निकल गया है, और जिससे यह पानी जितना भर रहा है उतना निकल जा रहा है। तो अभी हम इसको निकालना पड़ेगा। और इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, कंचे सिस्टम थोड़ा जगह कम होता है जिससे यह कंचे में फंस रहा था, तो इसको खोल लेते हैं। या तो कभी कभी होता है जगह कम होता है तो बॉल कॉक भी फंसता है, तो बॉल कॉक भी निकाल सकते हैं। निकाल के जो इसका आधा पार्ट खुल गया था अभी उसको फिट कर लेते हैं और अंदर देख सकते हैं आप। ये होल्डर भी हम पूरा बाहर निकाल लिए, होल्डर सहित। अब होल्डर सहित पूरा फिट करके इसको जिस प्रकार से निकाले थे उसी प्रकार से इसको फिट कर देते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर करके चेक कर लेते हैं। अब जिस प्रकार से ये प्लेट को खोले थे उसी प्रकार से अब इसको फिट कर देते हैं। दोनों नट को टाइट कर देना है, इसी पर हमारा प्लेट की जो कवर होती है वो फिट होती है। तो एक बार इसको बाहर से बिना प्लेट लगाए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पानी रुक रहा है, तभी हम इसका प्लेट लगा देते हैं। लगा कर प्लग करते हैं तो ये अच्छे से पानी आ रहा है और फिर बंद हो जा रहा है। तो ये हमारा पल कंपनी का कंसिस्ट सिस्टम था जिसकी हमने आपको सर्विस का वीडियो दिखाया। धन्यवाद दोस्तों।